हरियाणा के नुहू में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा में हुए पथराव के बाद भड़की हिंसा में बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस हिंसा में आधा दर्जन लोगों की जान चली गई है, जबकि लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है, तो वही दर्जन भर लोग घायल बताए जा रहे हैं। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है, जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट भी की गई है। वहीं नू हमले को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसी कड़ी में आर्थिक राजधानी मुंबई के अंधेरी और बोरीवली इलाके में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया है। आंदोलन कर रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हिंदू संगठनों पर भी हमले का विरोध किया है और अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने अंधेरी पुलिस स्टेशन और बोरीवली रेलवे स्टेशन के बाहर ये प्रोटेस्ट किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल सुरक्षा के लिहाज से तैनात था। विरोध प्रदर्शन कर रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सोची समझी साजिश के तहत हिंदू संगठनों की यात्रा पर हमला किया गया है। आपको बता दें कि नुहू में हिंदू संगठनों ने हर साल की तरह इस बार भी 31 जुलाई को ब्रिज मंडल यात्रा निकालने का ऐलान किया था और प्रशासन से इसकी इजाजत भी ली गई थी। सोमवार को ब्रिज मंडल यात्रा के दौरान इस पर पथराव हो गया था। देखते ही देखते ये दो समुदायों में हिंसा में बदल गई और सैकड़ों कारों को आग लगा दी गई। इसके अलावा दंगाइयों ने साइबर थाने को भी आग के हवाले कर दिया और जमकर फायरिंग की। नुहू के बाद सोहना में भी पथराव और फायरिंग हुई, वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। इसके बाद हिंसा की आग नुहू से फरीदाबाद गुरुग्राम तक फैल गई। 31 जुलाई को जो भी मेवात जो हरियाणा में नुहू जिला में जो हुआ वो हम सबको मालूम है कि कितना घातक हमला था और क्या था, क्योंकि इसकी बात करना भी ये नहीं कह सकते कि एक रैली पे हमला हुआ है, ये पूरे एक समाज पे हमला हुआ है। उसमें कैसा है कि जहाँ पे व्यवस्था जिसकी परमिशन ली गई है, जिसके लिए उन्होंने यात्रा निकालने के लिए किया है, क्या श्रावण महीने में कोई यात्रा निकाल सकता है? निकाल सकता है, तो अगर हम वहाँ पे यात्रा निकाल रहे हैं उनको इतना राइट्स किसने दिया कि उन्होंने घेर के उस पर पथराव करना? केवल पथराव ही नहीं, पेट्रोल बम से जितनी भी वहाँ पर वाहन आई थी उसको जलाना, उसके साथ में लोगों के ऊपर फायरिंग करना, और मोटार जिसको हम आए दिन सुनते आते हैं कि कहीं ना कहीं सीज फायरिंग का उल्लंघन किससे किया जाता है, तो मोटार वाहन के उसके खिलाफ किया जाता है और वो यात्रा में इस्तेमाल होता है। यानी इसका जो नियोजन था, इसका जो षड्यंत्र था, वो करीबन एक महीने पहले से इसकी तैयारी की जा रही थी। तो क्या आज हम जिस भारत में रहते हैं, जिस भारत में बहुसंख्यक समाज जो रहता है वो अपनी यात्रा भी नहीं निकाल सकता है? और अगर निकाल सकता है तो इतना अधिकार इनको किसने दिया है? अगर नहीं दिया है तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, और जो भी इसके पीछे है उसको, जिसने भी ये षड्यंत्र रची है, एक महीने पहले से हम देख रहे हैं सबके बाइट्स आ रहे हैं, सब लोग यूट्यूबर्स जितने भी है, जितने भी फेसबुक के माध्यम से सब लाइव लोकेशन शेयर कर रहे हैं कि यहाँ से इनका वाहन निकल चुका है, यहाँ से ये जत्था यहाँ से निकल रहा है, तो पूरी प्री प्लानिंग के तहत ये उनका शिकार करने का जाए। और अगर किसी को बोला जाए कि ये किस लिए हुआ तो बोलते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया है। क्रिया किस चीज़ की? अगर कोई गौ माता की रक्षा करता है तो ये क्रिया है, और अगर ये क्रिया है तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं वो सब इसके दोषी है, क्योंकि गौ माता की सेवा करना, गौ माता की रक्षा करना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है और बजरंग दल का तो खास तौर पे कर्तव्य है। अपने पहले इसमें बोला कि उन्होंने कहा है कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया है, तो सबसे पहली बात तो आपको प्रतिक्रिया देने का कोई हक नहीं है और आपके अंदर इतनी औकात भी नहीं है कि आप उसका प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जो प्रोटेस्ट कर रहा है, ये जो मेवात में जो घटना घटी वहाँ पे हमारे संयोजक का गला काट कर मार दिया गया और हमारी हिंदू महिलाओं को मंदिर के अंदर बंधक बनाकर और फिर बाहर निकालकर उनके ऊपर जो अत्याचार हुए, जो उनके ऊपर जो यातनाएं उन्होंने झेली, उसके विरुद्ध में ये हिंदू समाज के एक बल देने के लिए बजरंग दल आगे बढ़ा है और उसके संदर्भ में ये आंदोलन हमने किया है। अगर ये जो जिहादी मानसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, अगर ये प्यार से नहीं सुधरेंगे तो बजरंग दल उनको उनकी भाषा में जवाब देना अच्छे से जानता है। अपना समाज है, हिंदू समाज है, तो खूब सहिष्णु है। अपन सगळ्याने बघितलंय की अमरनाथच्या यात्रेवर हल्ले होत होते, बंगालमध्ये हिंदूंवर काय हल्ले होत आहेत हे आपण सगळे बघतो आहोत, आणि तरी पण जिहादी मानसिकतावाले असे भरपूर जण विधर्मी सारखे हल्ले आपल्या सनातन हिंदू धर्मावर करतायत, तर हिंदू समाज हा सहिष्णू असल्यामुळे असे प्रकार वारंवार होत आहेत। सरकार काय करेल, सरकार काय ॲक्शन घेईल ही पुढची गोष्ट आहे, पण माझं सगळ्या हिंदू समाजाला आवाहन आहे की येणाऱ्या काळात संघटित होणं
ही काळाची गरज आहे। कोणावर अत्याचार करण्यासाठी नाही तर स्वतःच्या संरक्षणासाठी, आणि संविधानाने आपल्याला तो कायदा पण दिलाय की आपण स्वसंरक्षणासाठी आपणही प्रतिहल्ला करू शकतो, तर त्या दृष्टीने नक्कीच असा विचार करावा लागेल येणाऱ्या काळात प्रत्येक सनातनी हिंदूला की येणाऱ्या काळात आपण कसं वागायचं, आपण आपलं आचरण कसं करायचं आहे। कारण का आत्ता आपण बघतोय खूप साऱ्या समस्या आहेत, लव जिहाद समस्या आहे, लँड जिहाद समस्या आहे, ड्रग जिहाद समस्या आहेत, आत्ता आपण बघतोय की मोबाईल जिहाद सारख्या पण समस्या निर्माण झालेल्या आहेत। आणि सगळ्यांना माहिती आहे ह्या षड्यंत्रामागे कोण उभा आहे आणि त्यांना साथ देणारे पण कोण आहेत। भरपूरसे राजकीय क्षेत्रातले पण आपापल्या राजकीय स्वार्थांमुळे त्या विषयाला हात घालत नाही आहेत, पण निश्चित रूपात 1964 साली विश्व हिंदू परिषदेची स्थापना झाली, 1984 साली भजन दलाची स्थापना झाली, आणि आम्ही म्हणतो की सेवा संस्कार आणि सुरक्षेच्या माध्यमातून आम्ही आमचं काम चालू ठेवलं आहे। तर येणाऱ्या काळात भरपूर सनातनी हिंदूंनी एकत्र येऊन विश्व हिंदू परिषद भजन दलमध्ये दायित्व घेऊन कार्य करावं आणि पुढे येणाऱ्या या संकटाला सामना करण्यासाठी संघटनेची ताकद पण वाढवावी।